गुड मॉर्निंग एफ बी एंड इंस्टा, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। बहुत गर्मी हो गई है और इतनी गर्मी हो गई है कि हीट स्ट्रोक होता है, पेट जल्दी ख़राब हो जाता है ना, और कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो आज इसी चीज़ को जो बहुत लोग सफ़र करते हैं, हीट स्ट्रोक, एक्ने, पेट में दर्द, इन्फेक्शन, कुछ मन ही नहीं करता खाने को, और बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आप समर्स में यूज़ करते हो, कर सकते हो, और उसे हम कहते हैं डिटॉक्स ड्रिंक, राइट। हम उसको डिटॉक्स ड्रिंक कहते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो आज हम ऐसे फाइव डिटॉक्स ड्रिंक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। नॉर्मली हम लोगों को पता होता है कि जैसे आप छाछ पी लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, और लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, और या हम कोई शरबत पी लेते हैं जो आम पाना होता है, हम या शुगर केन जूस, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। और डिटॉक्स वाटर हम घर पे भी बनाते हैं, उसमें नींबू डाल के, क्यूकम्बर डाल के, मिंट डाल के, हम बहुत बार ये बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत डिफरेंट डिटॉक्स ड्रिंक्स बताने वाली हूँ, साथ में बेनिफिट्स बताऊँगी, और बहुत ईजी है एंड बहुत बेनिफिशियल है। तो ये और ये टॉप सीक्रेट्स हैं जो हम अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करते हैं, और ये पर्सनली मैंने यूज़ भी करती हूँ, और हम इन्हें यूज़ करते हैं और ऑफिस में भी रखते हैं। तो आज मैं ये लेकर भी आई हूँ सारे, और मैं आपको एक एक करके ये सारे ड्रिंक्स दिखाने वाली हूँ। सो पहले हम मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक जो हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, फ़ोन का सेटअप। ओके, तो आज पहला जो होगा वो है वेटिवर। वेटिवर क्या होता है, ये देखिए, ये आपने इसको पहचानते होंगे आप, ये है खुसखुस। खुसखुस, इससे चटाइयाँ, पर्दे या मटके बनते हैं। आपने देखा होगा जो पुराने कूलर होते हैं उनमें ये लगा होता है, जिससे वो पानी ठंडा और हवा ठंडी होती है, आपने ये देखा होगा। एग्जैक्टली, ये वही है, इसे हम वेटिवर कहते हैं। ये ग्रास होती है, वेटिवर रूट्स होती हैं, इनका नाम वेटिवर रूट्स है, ये वेटिवर ग्रास होता है। खुसखुस घास जो होती है ये उसकी रूट्स होती हैं, एंड इसकी रूट्स जो होती हैं दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, क्योंकि जो वेटिवर ग्रास है उसकी जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा डीप और लॉन्ग होती हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन होती है इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है माइक्रो मिनरल्स की, तो इट इज़ वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिशन। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम वेटिवर वाटर बनाते हैं सर्दी गर्मियों में। तो आपको अगर हीट स्ट्रोक होता है, अगर आपको पेट में जल्दी गर्मी हो जाती है, एक्ने हो जाता है, स्किन सेंसिटिव है, पेट आपका सेंसिटिव है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, गर्मियों में हो जाता है, तो ये बेस्ट है। अब आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ये होते हैं कि ये आपके पेट को ठंडा करता है, और बेस्ट ये आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए, पीसीओडी, थायराइड पेशेंट्स के लिए बहुत अमेजिंग है, और ये कॉन्स्टिपेशन और आपकी डाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, पूरा स्टमक आपका क्लियर करता है। और बेस्ट है ये क्योंकि रिच इन मिनरल्स है, तो ये एल्कलीन प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी अगर आपको एसिडिटी है या पेट में अल्सर या फिर आपको हार्ट बर्न होता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये आपके पेट को ठंडा एज अ कूलेंट की तरह काम करता है, जो आपके पेट में कूलर की तरह ये काम करेगा, और आपकी जो बॉडी को एल्कलिनिटी देगा, जिससे कि आपकी पेट में गर्मी नहीं होगी। और दूसरा इसका जो बहुत अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि ये यूटीआई, अगर आपको जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। तो ये आपके लिए बेस्ट है, अगर आप कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये हर कोई ले सकता है, बहुत लाइट है। और ये ड्रिंक्स में आपने देखा होगा कुछ कुछ की शरबत भी बनती है और हम पीते भी हैं, तो ये कुछ कुछ डिटॉक्स जो है ये बहुत बेनिफिशियल है। और इसके लिए मैं आपको समझाऊंगी कि इसे कैसे बनाना है, बहुत इजी है और ये कोई भी घर में बना सकता है। तो इसको आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने पानी है इसके अंदर ही आप देखेंगे एक मैंने स्ट्रैंड डाला है। ये कुसकुस जो होता है, मैंने आपको जैसे कहा, ये बहुत रिच माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आपको बहुत सारे डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत सारे डालोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आप देखिए कि ये एक स्ट्रैंड या दो स्ट्रैंड, अगर यहाँ पे देखें दो स्ट्रैंड ये बहुत है, आप इसको प्रॉपर अच्छे से धोकर, ठीक है, साफ करके इसको आप एक लीटर पानी में ऐसे डाल सकते हो, जैसे मैंने डाला हुआ है आप इसको डाल सकते हो,
इसको अच्छे से आप इसको ऐसे डालें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये आपने इसमें डाल दिया, और इसको बंद करके आप इसको 2 से 3 दिन तक आप इसको ऐसे रखें इस पानी को, और इसका जितना भी न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे के सारे इस पानी में आ जाएंगे, ठीक है। और आप इसको कम से कम 3 दिन तक इसको रखेंगे, 2 या 3 दिन बहुत होते हैं। एंड इसके बाद इस वाटर को आप आराम आराम से पी सकते हो, इसे कैरी कर सकते हो, आप चाहो तो आप इस स्ट्रैंड को निकाल सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर जो ये स्ट्रैंड है ये एक बार आप यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको 2 से 3 बार आराम से यूज़ कीजिए, यानी कि आपका ये जो एक स्ट्रैंड है आप इसको कम से कम 10 दिन तक यूज़ कर सकते हो। तो मतलब आपने इसको एक बार नहीं, इसको 3 बार यूज़ कीजिए, तो इट इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट एंड वेरी चीप ऑल्सो, इतना महंगा भी नहीं होता। या आपको कहीं से भी कोई भी स्टोर से मिल जाता है, और अमेजोन वगैरह से ही आपको बहुत सारा मिल जाता है, और आपको इतना सारा चाहिए भी नहीं है। आई थिंक इतना आपका कम से कम आराम से गर्मियां निकल जाती हैं, तो मतलब आराम से 3-4 मंथ्स इतना सा चलेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग डिटॉक्स वाटर है, अगर आप ये लेना चाहें तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसका जो बेनिफिट्स हैं ये मैंने आपको बताया। इसका एक और बहुत अमेजिंग बेनिफिट है, ये आपको बहुत काम करता है, क्योंकि जब आपका स्टमक और डाइजेशन ईज करता है तो ये आपको एक कामिंग इफेक्ट देता है। तो इसका सीधा इफेक्ट आपके ब्रेन में आता है, तो ये आपकी ब्रेन सेल्स को और आपकी ब्रेन सेल्स को ये रिलैक्स करता है, स्पेशली नर्वस सिस्टम को। उसकी वजह से आपको अच्छी नींद भी आती है, और जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद की प्रॉब्लम है, उसमें भी, स्लीप डिसऑर्डर्स में भी बहुत हेल्प करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है, डिप्रेशन एंजाइटी उसको भी रिलीज करता है। तो कामिंग इफेक्ट ही आपके ब्रेन को देता है, तो ये स्टिमुलेट करता है आपके ब्रेन सेल्स को। मेरा जो ये जो मेरा इंस्टा का फ़ोन है, थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बीच बीच में ये गिर रहा है। ओके तो इसको थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं, बियर विद मी। ओके तो ये हमारा पहला हो गया। नाउ अब मैं आपके पास लेके आती हूँ दूसरा डिटॉक्स ड्रिंक, और ये है, गेस करेगा कोई, ये है कड़ी पत्ता वाटर। अब मैं कड़ी पत्ता भी लेके नहीं आई हूँ, लेकिन मैं ये अपने पास मैंने रखा है ऐसे बना के। कड़ी पत्ता इतना अमेजिंग ड्रिंक है, और हम कड़ी पत्ता अपनी कुकिंग में यूज़ करते हैं, अपने जो ये सैलड्स में कड़ी पत्ता, जो ड्राइड लीव्स होती हैं हम उसको यूज़ करते हैं, अपने तड़के वगैरह में यूज़ करते हैं। लेकिन जो इसकी लीव्स हैं दे आर हर्ब्स, दे आर आयुर्वेदिक हर्ब्स, एंड इट हैज़ वेरी वेरी गुड बेनिफिट्स। तो मैं इसके बेनिफिट्स तो अनगिनत हैं। पहली चीज़ जिसका बेस्ट बेनिफिट है, ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टिविटी को कम करता है, आपके शुगर लेवल्स को ठीक करता है, और बेस्ट ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत ठीक करता है। कैसे? जो आपका HDL LDL होता है ना, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको घटाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को ही बढ़ाता है। तो ये आपकी जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये उसको भी कम करता है। तो ये रिच इज़ वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग है, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, तो ये स्टमक इन्फेक्शन, UTI और डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम होती है कोई भी हमें गर्मियों में, जैसे हम बाहर खा लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपको बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा ये वेट लॉस में अमेजिंग है, इट हेल्प्स टू यू नो योर फैट डिपोजिशन को, और फैट मेटाबोलाइजेशन में ये बहुत हेल्प करता है। इट इज़ अ वेरी गुड ड्रिंक फॉर वेट लॉस, और ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी बॉडी में इम्प्रूव करता है, आपके लिम्फैटिक ड्रेनेज को ठीक करता है, जिसमें आपकी जिससे आपकी लिवर की जो हेल्थ है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो लिवर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, और लिवर की प्रोटेक्शन के साथ साथ ये आपकी लिवर की फंक्शनिंग को स्टिम्युलेट भी करता है। सो बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। इसके अलावा इट इज़ वेरी रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन, तो अगर मैग्नीशियम रिच है तो आपको जो मस्कुलर पेन्स हैं, बॉडी पेन्स हैं, उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। एंड आयरन जो एनेमिक हैं, जिनमें आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है प्रॉपर, उनके लिए ये बहुत अमेजिंग है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड होता है जो आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव भी करता है। सो दिस इज़ रियली गुड। अब आपने ये लेना कब है ये आपको बताती हूँ, बनाना कैसे है ये। आप अगर 1 लीटर वाटर में आप 5 से 6 पत्ते कड़ी पत्ता डाल सकते हैं फ्रेश,
घर पे भी इसको उगा सकते हो। आई वुड प्रेफर कि अगर आप फ्रेश लीव्स डालें तो आप पहले पानी को उबाल लें, एक लीटर पानी को उबालने के बाद आप 5-6 कड़ी पत्ता उसमें डाल दें। तो पानी के साथ इसको नहीं उबालना है, आप वो पानी को उबालने के बाद बंद कर दें गैस को और उसमें 5-6 पत्ते डाल के उसको ढक दें। उसको 1-1.5 घंटे के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा उसको स्ट्रेन करके ये आपका बन के निकलेगा। आप इसमें बर्फ़ डाल के पीजिए या नॉर्मल पीजिए, ये बहुत अच्छी और अमेजिंग ड्रिंक है। हल्का सा इसमें फ्रेग्रेंस और टेस्ट भी आता है, कड़वा टेस्ट भी बिल्कुल नहीं आता। तो ये आप अपनों अपने साथ कैरी करके इसको थ्रू आउट द डे पी सकते हो। इसको थोड़ा पूरा दिन भी पी सकते हो, अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हैं। जिनको मॉर्निंग सिकनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मॉर्निंग सिकनेस के लिए बहुत अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक अगर आप लेते हो एज अ वेट लॉस डाइट में, ये अमेजिंग है। तो इसे एम्प्टी स्टमक लीजिए और ये बेस्ट है, आपको एक ग्लास ही इनफ होगा। जैसे ये तो आप थ्रू आउट द डे पी सकते हो क्योंकि ये आपको ठंडा रखता है, और ये आप मॉर्निंग में लीजिए एक बार, बहुत है। कई बार आप इतना भी कैरी कर सकते हो अपने साथ थोड़ा थोड़ा पीने के लिए। अब हम आ जाते हैं जो ये है हमारा, ये बहुत लोग जानते भी होंगे। ये अगर आप सीड्स जानते हैं, कोई बोलेगा ये कौन से सीड्स हैं। डियर बेस्ट टाइम है टू टेक इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग लेना है आपने करी पत्ता वाटर एम्प्टी स्टमक। ये है सीड्स एंड दीज आर सब्जा सीड्स। ये चिया सीड का इंडियन वर्जन है और ये चिया सीड से बिल्कुल चिया सीड्स जैसे दिखते हैं सब्जा सीड्स, लेकिन चिया सीड्स की तस्वीर गर्म होती है और जो हमारे सब्जा सीड्स हैं इनकी तस्वीर ठंडी होती है। और ये आपके लिए बहुत अमेजिंग है आप अगर इनको समझ में लेते हो। एंड ये आपने बहुत सारी ड्रिंक्स में हम डालते हैं, तो ये आप अपनी शरबत में, अपने दूध में, या अपने दही में, या फिर नॉर्मल पानी में। मैं इसको पानी में डाल के मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास सीड्स रखे भी हैं और मैं आपको इनको दिखाती हूँ ये आपको कैसे दिखते हैं। ये आप देखें, ये आपको जो है ये काले से होते हैं, आप अगर ये देखें इस तरह से दिखते हैं ये सीड्स। और इसको आप नॉर्मल पानी में ऐसे आप इसको पानी में इसको डाल दें, और डालने के बाद इसको 1-1.5 घंटा रख दें। इसे ओवरनाइट सोक करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सब्जा सीड्स। आप इसे 1-1.5 घंटा पानी में डाल के इस पानी को आप कंज्यूम कर सकते हो। आप इस पानी को, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, इस पानी को आप कम से कम मॉर्निंग में भी और अपने लंच से पहले, और मॉर्निंग में भी ले सकते हो ब्रेकफास्ट से पहले और लंच से पहले आप इसको ले सकते हो। अगर आप ये वाटर कंज्यूम कर रहे हो तो इसका बेस्ट वे है कि आप इसको 1 लीटर पानी में, जैसे हमारी वाटर बॉटल होती है, जैसे नॉर्मल आप कोई पानी की बॉटल कैरी करते हो, उसमें आप ये 1 चम्मच सब्जा सीड्स डाल दीजिए और वो पानी पीजिए। लेकिन वो पानी आप दोपहर में ख़त्म करें, रात तक आप इसको पीना नहीं, आप इसको 3-4 बजे तक कंज्यूम कर सकते हो 1 लीटर पानी, आप वाटर बॉटल में इसको ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सब्जा सीड वाटर है, डिटॉक्स वाटर। इसके बेनिफिट्स आप सबको पता है, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए अमेजिंग है, डाइजेशन के लिए बहुत अमेजिंग है, आपकी स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है बिकॉज इट हैज़ गुड फैट्स, आपके विटामिन्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एंड ये इसमें क्या कहते हैं कैल्शियम। इट इज़ रियली गुड फॉर योर बॉडी पेन्स, एक्ने और क्रैम्स के लिए ये बहुत अच्छा है, और बेस्ट है ये आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए, PCOD, थायराइड, और ये आपके जो क्रैम्स पड़ते हैं, जो पेन्स होती हैं हमारे को पीरियड्स में, उसके लिए भी ये बहुत अमेजिंग है सब्जा सीड्स। और ये आपकी इसकी तस्वीर ठंडी है तो ये आपको गर्मी नहीं देगा। तो अगर आप सोचते हैं कि जो PCOD है और थायराइड है, इन चीज़ हमें नॉर्मल पीरियड्स के लिए हमें गर्म चीज़ें खानी पड़ेंगी ताकि हमारे पीरियड्स नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका सब्जा सीड वाटर है, कड़ी पत्ता है, वेटिवर ये वाटर जो है, खुसखुस वाटर, इन सब की तस्वीर ठंडी है और ये आपके हॉर्मोन्स को, आपके पीरियड्स को बहुत अमेजिंगली बैलेंस कर देता है। तो ये तो हो गए हमारे 3। इसके अलावा जो मैं आपसे और डिस्कस करूँगी वो है, ये मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, ये आपको दिखाऊंगी ये क्या है, दिखाती हूँ मैं आपको ये क्या है। ये है पर्ल्स, द नेचुरल पर्ल्स एंड जेम। ये है बार्ले जौ, बार्ले पर्ल्स। ये आपको किसी भी शॉप में और कहीं भी मिल जाता है ये। और ये बार्ले वाटर, बार्ले वाटर मैंने पहले भी बताया है, ये बार्ले वाटर है। और इसमें मैंने इस पानी के अंदर मैंने इतना बार्ले डाल दिया,
मैं दोबारा डाल के दिखा देती हूँ। ये डाल के इसको मैंने बंद करके ढक के इसको ओवरनाइट आपने सोक करना है, रात को आपने इसे भिगो के रख देना है, मॉर्निंग में उठकर ये पानी आपने कंज्यूम करना है। जब आप इसको पानी में रात को ओवरनाइट रखोगे डेफिनेटली ऑब्वियसली इसके जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं पानी में सीप आउट होंगे। और इसका क्या करना है, जो ये बचा है इसको भी आपने च्यू करना है। इट इज़ रिच इन फाइबर, तो जो बार्ले के जो ये पर्ल्स हैं ये आप च्यू कर पाओगे क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाएगा और पानी में सारे मिनरल्स आ जाएंगे। तो आपके वेट लॉस के लिए, आपकी शुगर लेवल्स के लिए, आपके हॉर्मोन्स के लिए इट इज़ अमेजिंग। इट इज़ वेरी रिच इन फाइबर, तो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है, जो भी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस हैं, पेन है, उसको भी ये ठीक करता है। आपकी ये किडनी फंक्शनिंग के लिए एंड लिवर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत अच्छा है, और स्किन एंड हेयर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये आपने कंज्यूम करना है अपने मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये आपका हो गया बार्ले वाटर। अब मैं आती हूँ अपने लास्ट वाटर पे, और ये मैंने बहुत बार बताया भी है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्योंकि ये मेरे पास हमेशा होता है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारा रोज बड टी। वाई रोज बड टी? लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम लीव्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हम लोग नेचुरल फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बोला आप डेफिनेटली नेचुरल रोजबड्स यूज़ कर सकते हो, लीव्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रोजबड जो है, जो ये छोटा बर्ड्स होता है, इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें लेवल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप इसको टी में की फॉर्म में या पानी की फॉर्म में लेते हो तो आपको जो ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं बॉडी में। ये कैसे लेना है, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है। तो मैंने गर्मियों में मैं इसकी चाय नहीं पीती हूँ, टी नहीं पीती हूँ, नॉर्मल गुनगुने पानी में सुबह मैं इसको एक डाल देती हूँ। ये मैंने डाल दिया, एक बहुत है, ठीक है। अगर आपकी छोटी बॉटल है, अगर बड़ी बॉटल है तो आप दो डाल लीजिए। और इसको डाल के मैं इसमें 2 से 3 घंटे इसको रहने देती हूँ और फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ कि 2 से 3 घंटे बहुत है। और इसके अंदर अगर आप बर्फ़ डालना चाहते हो या नींबू डालना चाहते हो और इसको शरबत की फॉर्म में पीना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो, पर मैं इसको नॉर्मल पानी की फॉर्म में लेती हूँ। अब इसके बेनिफिट्स मैंने आपको सबको बताए हैं। सबसे पहला बेनिफिट, ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स पॉलीफिनॉल्स है, तो ये आपकी फैट मेटाबोलाइजेशन में आपकी लिवर फंक्शनिंग को और प्रमोट करता है, जैसे कि मैंने आपको इसका बताया था वैसे ही, ठीक है। तो और ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट है, नेचुरल हर्ब है, तो ये आपके लिए, इसकी तस्वीर भी ठंडी होती है तो गर्म सर्दियों में इसकी आइस टी पीने में बहुत मज़ा आता है। तो आइस टी अगर आप पीना चाहते हो तो रोज टी की आइस टी पीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेस्ट है इसमें नींबू डाल के हल्का सा, अगर आप हनी डालना चाहते हो वो भी आप डाल सकते हो और आपकी ये शरबत तैयार, ठीक है। और भी एक तरीका बताती हूँ, अगर आपने ये रोज़ वाटर बनाया है, इसमें नींबू डालिए, थोड़ा सा आप हनी डालिए और इसमें डाल दीजिए सब्जा सीड्स, जो मैंने आपको दिखाए सब्जा सीड्स आप इसमें डाल दीजिए और ये आप 2 से 3 घंटे रखें और इसके बाद ये ड्रिंक लीजिए। इट इज़ रियली गुड और बहुत टेस्टी भी लगेगी और आपके स्टमक के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। और बेस्ट क्या है कि ये आपको हंगर पैंग्स नहीं होंगे, जैसे हमें होता है ना भूख लगती है, तो ये आपका पेट इतना फुल रहेगा बिकॉज इट इज़ रिच इन फाइबर। जो आपके सब्जा सीड्स हैं वो फाइबर रिच है तो उसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भरा रहेगा। और जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये एंटी कैंसरस होते हैं, स्पेशली आपकी जो आई बैग्स हैं और जो आपकी डबल चिन हो जाती है, जो हमारी वाटर रिटेंशन बॉडी में होती है, तो रोज़ टी उसको कम करता है, आपके आई बैग्स को कम करेगा, बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है उसको कम करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये बैलेंस करेगा। तो जितने भी हमारी बॉडी में एंटी ऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाते हैं उसको ये कम करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हम हार्मोनल मेडिसिन लेते हैं, हम डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, हमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो जो ये वाला डिटॉक्स वाटर है, नॉट ओनली दिस, ऑल डिटॉक्स वाटर विल क्रिएट एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर बॉडी, जो उसके फ्री रेडिकल्स को कम भी करेगा और दवाइयों के आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और बहुत आपका जो हार्मोन्स है वो नेचुरली बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, साइड इफेक्ट्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो जो आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपकी फ्री रेडिकल्स हैं वो घुलने शुरू हो जाएंगे।
और एक चीज और, जब आपको कोई कैंसर के लिए कैसे अच्छा है, कैंसर के लिए अगर जो जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है उसके जो हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको भी ये कम करता है। तो कीमोथेरेपी जिन लोगों की चल रही है और जिन्हें हेयर फॉल होता है उनके लिए ये सारे डिटॉक्स वाटर्स बहुत ही अमेजिंग है, आप कोई भी ले सकते हो। अब आपका अगर क्वेश्चन ये है, रोज बर्ड मार्केट में मिल जाता है, आप अमेजोन से भी ले सकते हो, आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, आप ऑनलाइन डालोगे आपको अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे यू विल गेट इट फ्रॉम एवरीवेयर, तो कई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। तो ये सारे जो हमारे डिटॉक्स वाटर हैं ये बहुत अमेजिंग है, ठीक है, आप इनको ट्राई कीजिए। अब क्वेश्चन लें से ये लोग पूछ रहे हैं कि मैम कौन सा लें कैसे लें, फिर से मैं बोलूँगी ये आपको मैंने जो बताए हैं 1, 2, 3, 4, 5 तरीके के जो मैंने आपको बताए हैं डिटॉक्स वाटर, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सारे लेने हैं, आप चूज़ कीजिए कौन सा आप लेना चाहते हो और उसको आप कम से कम 3 मंथ्स रेगुलरली लीजिए। कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, जैसे आपने कड़ी पत्ता मॉर्निंग में ले लिया, फिर आपने वेटिवर वाटर ले लिया, कोई भी दो आप चूज़ कीजिए और उसको 3 मंथ्स कंज्यूम कीजिए एंड देन यू सी द डिफरेंस। ऐसा भी कर सकते हो कि एक हफ्ता बारले लिया, एक हफ्ता आपने चिया लिया, एक हफ्ता कड़ी पत्ता, एक हफ्ता ये, आप उसको 1-1 वीक के में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट गिव 1 वीक और 3 मंथ्स तक ये कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने 2 दिन पिया और 30 दिन बोल रहे मुझे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये दवाइयाँ नहीं है, इसका कोई मैजिक नहीं होता, इट टेक्स टाइम। दीज हर्ब्स एंड दीज रूट्स, जो ये नेचुरल रूट्स एंड हर्ब्स होती हैं, ये बॉडी में जाके धीरे धीरे आपकी बॉडी को चेंज करते हैं, ऐसा नहीं आज लिया तो कल आप ठीक, तो इसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि बस ज़्यादा लेने लग गए ताकि जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। अगर मैंने आपको बताया कि 2 स्ट्रैंड डालने हैं और आप डाल लो 10-10 कि ताकि मुझे ज़्यादा ठंडक मिल जाए, मेरे ज़्यादा हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाए, ऐसा नहीं होता, इट विल गिव यू साइड इफेक्ट्स। तो बेटर है जितना क्वांटिटी है उतना लीजिए, नेचुरल है, गिव 3 मंथ्स एंड देन सी द डिफरेंस। ओके, सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड डू शेयर, आपने अगर ये बनाए और ज़रूर शेयर करना, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो आप ये लेना शुरू कर दीजिए और ज़रूर मेरे से शेयर कीजिए। मैम कुछ मैं भी ट्राई करूँ, मुझे गर्मी हो जाती है लिवर में, यस अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है यू कैन हैव कड़ी पत्ता, लिवर के लिए बहुत अच्छा है एंड आप इसके साथ ये अपना वेटेवर वाटर शुरू कर सकते हो, मैंने आपको बताया है ये आप यूज़ कर सकते हो। यस डियर, थैंक यू डियर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू इंद्रप्रीत, थैंक यू जैस्मिन, थैंक यू रीना, ब्यूटिफुल। सो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एंड विद मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर डाइट प्लान्स। यस डियर, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है एवरीवन, सो हैव अ नाइस डे, आज ही बना लीजिए, अभी बहुत टाइम है, ठीक है, अभी जो बना सकते हो बना के और उसको कंज्यूम करो और शेयर करो। बाय बाय।